बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं कटवा गोश्त। इसके लिए हमने 1 kg कटे का गोश्त लिया है, ऑयल, गरम मसाला, प्याज हैं चॉप किए हुए, टमाटर हैं 3 अदद, 2 प्याज हैं, दही है 5 से 6 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून सॉल्ट है, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है और 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च है और 1/2 टीस्पून हल्दी, कुछ खड़े मसाले हैं, दालचीनी, ज़ीरा, तेज़पत्ता, 5 से 6 लौंग हैं, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 4 छोटी इलायची हैं। गोश्त शामिल करना है, उसके बाद खड़े मसाले, प्याज, टमाटर, सुर्ख मिर्च, हल्दी, सब्ज़ मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉल्ट। एक लीटर पानी शामिल कर लेना, अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पे से 20 से 25 मिनट के लिए पकने देना। गोश्त हमारा गल चुका है, पानी भी खुश्क हो चुका है, टू टेबल स्पून कौरमा मसाला शामिल कर लेते हैं, दही, फिफ्टी ग्राम ऑयल शामिल कर लेना। गोश्त की अच्छे तरीके से बनाई हो चुकी है। धनिया पाउडर, शोरबे के लिए हल्का सा पानी डाल देना, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 कवर लगा के छोड़ देना। रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना, बोटी को
टुकड़ों में तकसीम कर लेना। इसके बाद लेमन निचोड़ लेना। हल्का सा धनिया उसे मिक्स कर लेना। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें गाइड करें।